नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। एनएच पर हादसा, जिंदा जले 3 एमबीबीएस स्टूडेंट, लापरवाही एनएचआई डायरेक्टर और गावड़ कंपनी पर एफआईआर। हर 10 दिन में नई शादी करने वाली दुल्हन कुंवारे लड़कों की तलाश में रहती है, भाई बोला ये तो धंधा है हमारा। पंजाब में छोटे वीआईपी नंबर पर एक्शन, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने गाड़ियां जब्त करने को कहा। वाईएसआर कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगी, जगनमोहन रेड्डी का ऐलान। दूसरी बार कोरोना संक्रमित होने पर मामूली लक्षण भी जानलेवा, बीते 24 घंटे। तैयारी में शिवसेना, शिंदे बोले अलमत, सरकार हमें डरा नहीं सकती। केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमका रहे महाराष्ट्र, संकट के बीच शिवसेना, संजय राउत का आरोप। मुझे नहीं पता महाराष्ट्र के विधायक यहां है, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को दिया सुझाव, बीजेपी में विलय कर ले पार्टी, हम फिर से खड़ी कर लेंगे। कार के बम्पर में फंसा तेंदुआ, परवाड़ू में हाईवे पर कार के सामने आया कुछ सेकंड, सड़क पर पड़ा रहा वीडियो वायरल। बागी विधायकों के साथ मुस्कुराते देखे नीतीश देशमुख, कल कहा था जबरन इंजेक्शन लगा बेहोश करने की कोशिश। अग्निपथ के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया, लोगों से समर्थन की अपील। शिवसेना ने 37 बागियों ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख शिंदे को बताया नेता, शरद पवार बोले आना पड़ेगा वापस। पंजाब पुलिस का दावा, लॉरेंस बिश्नोई ने स्वीकारा वही है भूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड। भाजपा के आदिवासी कार्ड का दिखने लगा असर, अकाली दल के साथ झामुमो और जदेश दे सकते हैं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन। यूपी में कोरोना की चौथी लहर की आहट, 113 दिनों बाद 3000 के पार हुए एक्टिव केस, 7 दिनों में 185% बढ़े मरीज। अलीगढ़ टप्पल कांड के एक सप्ताह पूरे होगा हाई अलर्ट, जुमे को देखते हुए पुलिस रहेगी दोगुनी अलर्ट। अयोध्या में राम की पैड़ी में किस करने पर केस की मांग, करड़ी सेना ने कहा कपल पर एफआईआर हो, नहा रही महिला के कहने पर पीटा था। सुल्तानपुर में युवक की पीट पीट कर हत्या, मामूली कहा सुनी में अंजाम पाई हत्या, नशे के कारण बढ़ा विवाद। अंबेडकर नगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, डबल डेकर बस संचालकों पर युवक की पिटाई का आरोप।
भारत बंद को लेकर बुलंदशहर में ट्रैफिक डायवर्जन, कलेक्ट्रेट पर जुट सकते हैं प्रदर्शनकारी, आधा दर्जन रूट में बदलाव। फरुखाबाद लोहिया अस्पताल में खून बेचने का सौदा, एक यूनिट खून 9000 रुपए में तय हुआ। कानपुर में बाबा बिरयानी हाउस पर जल्द चलेगा बुलडोजर, मालिक मुख्तार बाबा सहित 26 के खिलाफ एफआईआर। जुलाई तक यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान, एक बार फिर ओबीसी चेहरे पर पार्टी लगा सकती है दांव, जानिए इसकी दो बड़ी वजह। कावड़ यात्रा पर देहरादून में हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा व्यवस्था के साथ ट्रैफिक प्लान पर होगी चर्चा। बरेली में 11 से 17 अगस्त तक बनेगा आजादी का अमृत महोत्सव, सरकार हाल के साथ प्राइवेट सेक्टर में फहराया जाएगा तिरंगा। पीलीभीत में दुष्कर्म पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर खाया जहर। संबल में गैंगस्टर की 86 लाख की संपत्ति जब्त, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई, मकान को किया गया सील। गौतम बुद्ध नगर में कंपनी के सामने से स्कूटी चोरी, स्कूटी स्टार्ट न होने पर बाइक से धक्का मारकर चुरा ले गए चोर। अमरोहा में शर्ट का फंदा बनाकर युवक ने लगाई फांसी, शराब पीने को लेकर पत्ती से होती थी कहा सुनी। जलौन में ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, उछलकर खंती में गिरा मोटरसाइकिल सवार, युवक की मौत। रायबरेली में सड़कों पर टहल रहे गोवंश, जिले में करीब 72 गौशालाओं पर खर्च होते हैं करोड़ रुपए, व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं। झांसी में गैंगस्टर पिता पुत्रों की 88 करोड़ की संपत्ति कुर्क, बुलेट बाइक मकान और 4 हेक्टेयर कृषि भूमि जब्त। बदायूं के भाजीमो मंडल उपाध्यक्ष पर वसूली का मुकदमा, 3 अन्य लोगों के नाम भी एफआईआर में शामिल। अमरोहा के गजरौला में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, उर्स देखकर लौट रहे बिफार्मा के छात्र की मौत। गुंडा में बोले ब्रिजभूषण सिंह, मुझे ही बना दे महाराष्ट्र का सीएम, राहुल गांधी पर भी बरसे। बरेली में दुष्कर्म के मामले में नहीं किया समझौता तो उतार दिया मौत के घाट, बेटों ने भागकर बचाई जान। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी के चिथड़े उड़ाने की धमकी, भीम आर्मी का सोनू गिरफ्तार। बुलंदशहर में अनिल अंबानी और अन्य पर केस दर्ज की सीबीआई जांच कराने की याचिका दाखिल। अलीगढ़ में एमयू के छात्रों से हाथापाई के आरोप में आरपीएफ का दरोगा और सिपाही सस्पेंड, ट्रेन का टिकट को लेकर हुआ था हंगामा। कानपुर में जुमे पर फेराई हाई अलर्ट, छावनी में तब्दील कानपुर, 3 किलोमीटर का इलाका, मेरठ सहारनपुर समेत 8 शहरों में आरआरएफ पीएसी तैनात।
लखनऊ के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी का ड्राइविंग लाइसेंस निकला फर्जी, 20 साल बाद हुआ खुलासा। इटावा में ट्रेन से कटा एयरफोर्स का जवान, इटावा में मानपुरी रेलवे फाटक के पास खड़ा था, ट्रेन की चपेट में आया। लखीमपुर खीरी में 10 की मौत से दहली छोटी काशी, परिवार के 9 सदस्यों की एक साथ उठी अर्थियां, दिलदाश मस्जिद के हाफिज से बना था ड्राइव। अमेठी में ट्रेन लेकर जा रहे लोको पायलट की मौत, इंटरसिटी लेकर जाने वाले पायलट की अचानक बिगड़ी तबीयत। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में हुए शामिल। सेना भर्ती की तैयारियां कर रहे युवाओं की हो रही मुखबिरी, व्हाट्सएप ग्रुपों पर रखी जा रही नजर। तेरह घंटे पूछताछ के बाद यादव को लिया गया न्यायिक हिरासत में, उत्तराखंड में पहली बार कोई आईएएस गया जेल। चमोली में दरगाह पहाड़, कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे मौड़ा छीड़ में बंद, भारत समेत फंसे रहे कई यात्री वाहन। उत्तराखंड में 27 को सत्याग्रह आंदोलन करेगी कांग्रेस, हाईकमान का अग्निपथ पर फोकस करने का संदेश। उत्तराखंड विकास कार्य और जनता की परेशानियों से हर हफ्ते रूबरू होंगे सीएम धामी, हर जिले में गाइडलाइन जारी। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में मंत्री अवनीश चौबे का आरोप, कांग्रेस और आरजेडी की साजिश है अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अल्मोड़ा में तिरंगा यात्रा को लोधिया बैरियर पर पुलिस ने रोका, 2 दर्जन से अधिक प्रदर्शनकारी लिए हिरासत में। अल्मोड़ा के घंगलोड़ी में 2 मंजिले आवासीय भवन में लगी आग, 2 कमरे खाक। रुद्रपुर निजी अस्पताल में इलाज के दौरान व्यापारी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। कोचिंग सेंटर के मैनेजर का अपहरण मामले में 4 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अगवा कोचिंग मैनेजर मुक्त। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। पीएम मोदी के साथ योग कर सुर्खियों में आने वाली दीपा की मां का शव झील में मिला, क्षेत्र में सनसनी। हल्द्वानी में सरकारी अस्पताल में चल रहा कमीशनखोरी का खेल, गरीब मरीजों के साथ हो रही खुलेआम लूट। पिथौरागढ़ में नाबालिग से शादी करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12 की उम्र में 2 शादियां, दूसरा दूल्हा 36 साल। मेक्सिको में शूटआउट, सुरक्षा बलों पर बंदूकधारियों ने की गोलीबारी, 4 पुलिसकर्मियों की भी मौत। अभी और बुरे दिन आने वाले हैं, शहबाज शरीफ ने आवाम को दी चेतावनी, चीन और आईएमएफ से और कर्ज ले रहा पाकिस्तान।
भारत ने अफगानिस्तान में फिर खोला दूतवास, तालिबान ने किया स्वागत, ली सुरक्षा गारंटी। इजराइल से बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने मोहम्मद काजमी को बनाया आईआरजीसी प्रमुख। चीन में राष्ट्रपति चुनाव से पहले जिनपिंग के खिलाफ शुरू हुआ अभियान, शी जिनपिंग पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, गन रखना मौलिक अधिकार, एक सदी पुराने न्यूयॉर्क गन कानून को रद्द किया। रूस ने यूना क्योवका समुदाय पर 30 फॉस्फोरस बम दागे, यूक्रेन को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा मिला। कतर में रोमांस करना पड़ा महंगा, होगी 7 साल की जेल, पति पत्नी को ही प्यार की इजाजत, फॉरेन भी कानून जद में। इजरायली विदेश मंत्री के दौरे के पहले ईरान में रची थी हमले की साजिश, तुर्की ने 5 को हथियारों से पकड़ा था। पाकिस्तान में कागज का बड़ा संकट, पेपर संकट के कारण छात्रों को किताबें उपलब्ध नहीं होगी। एक जुलाई से लागू हो रहा टोकनाइजेशन सिस्टम, इससे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद। एलपीजी से निजात दिलाने आईओसी, ला रहा सोलर स्टोव, बना सकेंगे तीनों टाइम का खाना। गौतम अडानी ने दान किए 7,000 करोड़, सामाजिक कार्यों के जरिए मनाया अपना 60वां जन्मदिन। सीबीआई ने पैकेजिंग कंपनी रेवा स्नैक्स के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में 5 स्थानों पर ली तलाशी, कंपनी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। यस बैंक को हाईकोर्ट से राहत, कंपनी के शेयर की बढ़ी खरीदारी। अगले कुछ महीनों में 70,000 के करीब पहुंच जाएगा बिटकॉइन, बिटकॉइन 2022 में $20,000 पर होगा। कार्डेनो के अपग्रेड में रुकावट बन रहे बग्स, कार्डेनो की टीम ने इन बग्स को ठीक करने का किया फैसला। ब्रिटेन के पाउंड से जुड़ा स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की तैयारियां में टेथर नेटवर्क्स की सपोर्ट भी जोड़ी जा सकती है ब्लॉकचेन। टाटा नेक्सन ईवी में आग, इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद कार में आग लगने का मामला, सरकार ने दिए स्वतंत्र जांच के आदेश। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी, आईटी नियमों के होने वाला है बड़ा बदलाव, आपत्तिजनक कंटेंट पर देना होगा जवाब। हज यात्रा पर जाएंगे इंग्लिश क्रिकेटर आदिल राशिद, भारत के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज नहीं खेलेंगे। लाहौर में जूते बेच रहा है आईसीसी पैनल में रहने वाला पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ, कहा अब खेल से कोई वास्ता नहीं। तीसरे टेस्ट में खराब शुरुआत के बाद संभाली न्यूजीलैंड की टीम, फिर डेरिल मिशेल बने हीरो।
ग्लेन मैक्सवेल की पलटी किस्मत, 5 साल बाद टेस्ट टीम में शामिल मैक्सवेल चोटिल ट्रेविस हेड की जगह लेंगे। अमेज़ोनी ने कोच का अनोखे अंदाज में मनाया बर्थडे, फैंस बोले माही जैसा कोई नहीं। बदला नहीं जाएगा सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम, विंबलडन सेंट मेन शो कोर्ट को प्रैक्टिस कर किंग टॉप। भारत की महिला तीरंदाजों का कमाल, तुर्की को हराकर वर्ल्ड कप स्टेज 3 के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम। भारतीय महिला टीम की आसान जीत, पहले टी20 में श्रीलंका को 34 रन से हराया, जेमाइमा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। रविचंद्रन अश्विन ने दी कोरोना को मात, एज बेस्टन टेस्ट से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़े। छलांग लगाते ही बेहोश और स्विमर को अधमरा देख रोने लगे लोग, फिर भगवान ने बचाई जान। पापा ऋषि को याद कर इमोशनल हुए रणबीर कपूर, बोले काश पापा जिंदा होते मेरी फिल्म शमशेरा देखते। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी जमानत, सेक्सुअल हैरेसमेंट और मारपीट का है आरोप। मलाइका अरोड़ा के साथ बर्थडे वेकेशन पर निकले अर्जुन कपूर, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दोनों। आर माधवन रॉकेट्री के बाद नहीं बनाएंगे कोई और फिल्म, बोले मेरी पत्नी चाहती है कि मैं एक्टिंग पर ध्यान दूं। सिद्धू मूसेवाला का गाना लॉन्च हुआ, मौत के 25 दिन बाद रिलीज हुआ मूसेवाला का गाना, आधे घंटे के अंदर 10 लाख लोगों ने देखा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में चार्जशीट दाखिल, एनसीबी का दावा सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती और भाई शौबिक खरीदते थे ड्रग्स। शमशेरा सिवाड़ी कपूर का लुक हुआ रिलीज, सोने के किरदार में नजर आई एक्ट्रेस। राजकुमार राव स्टारर हिट द फर्स्ट केस का ट्रेलर आया सामने, 15 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। हॉलीवुड एक्टर का रिटायरमेंट, ब्रैड पिट ने किया रिटायर्ड होने का ऐलान, बोले इंडस्ट्री में ये मेरा आखिरी समय चल रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने लॉन्च की नई होमवेयर ब्रांड सोना होम, अमेरिका को दूसरा घर बनाना एक्ट्रेस के लिए चैलेंजिंग था। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।